बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा दफ्तर से बाहर निकले स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर राजनीति और रणनीति तैयार की है, जाति जनगणना की हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। साथ ही रामचरितमानस विवादित बयान पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव जी से बात हुई है, सभी सवालों के जवाब सदन में दिए जाएंगे, ऐसा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा दफ्तर से बाहर निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर रणनीति तैयार की है, जाति जनगणना की मांग हम केंद्र सरकार से करेंगे। साथ ही रामचरित मानस विवाद बयान पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। विधायक अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने देखिए सर, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। आपकी बात हुई और जिस बारे में इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है, और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना। इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। अखिलेश यादव जी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा दफ्तर से बाहर निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद सपा दफ्तर से बाहर निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका कहना है कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर रणनीति तैयार की है, जाति जनगणना की मांग हम केंद्र सरकार से करेंगे। साथ ही रामचरितमानस पर विवादित बयान पर भी उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव जी से बात हुई है, सभी सवालों के जवाब सदन में दिए जाएंगे, ऐसा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद सपा दफ्तर से बाहर निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश से जुड़ चुके। अविनाश, अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकले हैं, साथ ही उन्होंने कई सवालों के जवाब मीडिया को भी दिए, क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, वो पूर्व मंत्री हैं। वो लगातार, इससे पहले भी आपने देखा होगा, अपने बयानबाजियों में लगातार सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में रामचरित मानस को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है सक्रिय रहते हैं। आज जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद में जब वो बाहर मीडिया से रूबरू हो, तो उन्होंने जाति जनगणना की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताया, इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस से जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर जब पत्रकारों से वार्ता हुई, उन्होंने जवाब माना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर इन सभी सवालों को सदन में इस बात की चर्चा करेंगे। लगातार आपने देखा होगा जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस को लेकर विवादित बयान दिया था, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक दल है, उस चीज को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में ये सियासत गर्म थी इस बड़े बयान को लेकर। जी अविनाश, धन्यवाद आपके इस खबर पर दी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सपा दफ्तर से बाहर निकलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबर हुए और उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने रामचरित मानस पर दिए गए विवाद बयान पर भी बात की, साथ ही दलितों को लेकर भी उन्होंने बात रखी।